वेलकम टू जीरो आईएएस पॉलिटी के सीरीज़ में आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कैसे संशोधन होता है, इसको मात्र हम लोग 5 से 7 मिनट में पढ़ेंगे। ये लेक्चर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए उपयोगी होगा, ये बाइलिंगुअल में है। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं संविधान संशोधन या अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 10 में दिया हुआ है, 6th एडिशन में, ठीक है। तो देखिए, भारत का संविधान कंडीशन और नीड्स के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार चेंज करने का पावर देता है किसको? पार्लियामेंट को, ठीक है। तो देखिए, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन के जैसा फ्लेक्सिबल भी नहीं है कि जब मन तब हम अमेंडमेंट कर देंगे सिंपल प्रोसेस के द्वारा, ना ही अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार रिजिड है। ये दोनों का बैलेंस है, मतलब फ्लेक्सिबल भी है, आसानी से भी चेंज कर सकते हैं कुछ प्रोविजंस को, और कुछ प्रोविजंस को मुश्किल से चेंज कर सकते हैं, उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, और कुछ प्रोविजंस को चेंज ही नहीं कर पाएंगे, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 368 में पार्ट जो 20 है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें डील करता है कि पार्लियामेंट को पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, और प्रोसेस क्या होगा संविधान संशोधन का, वो भी मेंशन है। पार्लियामेंट उन प्रोविजंस को चेंज नहीं कर सकता है जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? तो केशवानंद भारती केस में बोला गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट केस टू केस बेसिस पे, जैसे जैसे केस आता है न्यायालय में, कोर्ट में केस आता है, उसके अनुसार डिसाइड करता है कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं है। जैसे डेमोक्रेसी बेसिक स्ट्रक्चर है, जुडिशरी का सुप्रीमेसी वो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। पार्लियामेंट का जो है सेक्युलरिज्म, वो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक। तो इस तरह से जो है प्रोसेस क्या है अमेंडमेंट होने का? तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंड होता है वो 3 तरह से होता है, ठीक है। एक होता है आर्टिकल 368 के अंडर, तो इसमें 2 आएंगे, एक स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, और दूसरा स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से रेटिफिकेशन। मतलब पार्लियामेंट से स्पेशल विशेष बहुमत होना चाहिए, और साथ ही साथ जो स्टेट लेजिस्लेचर है, जितने भी विधानसभा हैं उसमें से हाफ विधानसभा, इंडिया में 28 विधानसभा हैं, तो उसमें से आधा विधानसभा, मतलब 14 अगर पास कर देते हैं तो वो जो है आर्टिकल 368 के अंडर आएगा। तो आर्टिकल 368 के अंडर 2 आता है, एक पार्लियामेंट से स्पेशल मेजोरिटी प्लस पार्लियामेंट से स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, तो 2 हो गया प्लस। और संविधान अमेंडमेंट होता है सिंपल मेजोरिटी से, जो हम लोग का नॉर्मल प्रोसेस होता है ऑर्डिनरी बिल पास करने का, जिसमें जितने भी हाउस के मेंबर उस दिन आएंगे उसमें से दोनों से सिंपल मेजोरिटी, मतलब 50% अगर पास हो रहा है तो उसको भी अमेंडमेंट बोलते हैं। लेकिन हमारा जो 368 के अंडर है, ये इसको 368 के अंडर है, वो मेंशन है हमारे किसमें? पार्ट 20 में और 368 में। तो ये देखिए, जो 368 के अंडर जो अमेंडमेंट होता है उसका प्रोसेस क्या है, ठीक है। बहुत आसान प्रोसेस है, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि बिल को, जो भी बिल लाना पड़ेगा अमेंडमेंट करने के लिए, तो आप लोकसभा में भी ला सकते हैं, राज्यसभा में ला सकते हैं, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ला नहीं सकते हैं। प्लस बिल को लाने के लिए प्रेसिडेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। उसके बाद बिल को हम लोकसभा में ला सकते हैं, राज्यसभा में ला सकते हैं, बिल को कोई प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है। प्राइवेट मेंबर मतलब जो जिस सरकार का बहुमत है, जिसका सरकार है, उसका कोई नॉन मिनिस्टर एमपी, ठीक है, जो मिनिस्टर नहीं है, जिस बीजेपी का भी सरकार है, तो बीजेपी में जितने भी सांसद होंगे सब तो मिनिस्टर नहीं होगा, तो बीजेपी के वो सांसद जो मिनिस्टर नहीं है उसको प्राइवेट मेंबर बोलते हैं। या तो फिर इस बिल को पब्लिक मेंबर भी ला सकता है, ठीक है, मतलब कि बीजेपी का वो एमपी जो अभी मिनिस्टर है, जैसे किरण रिजिजू मिनिस्टर है, अमित शाह मिनिस्टर है, तो वो पब्लिक मेंबर है। प्राइवेट मेंबर क्या होगा? जैसे मनोज तिवारी बीजेपी का एमपी है लेकिन वो मिनिस्टर नहीं है, ठीक, तो वो प्राइवेट मेंबर हो गया। तो बिल को प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है और पब्लिक मेंबर भी ला सकता है, ठीक है, याद रखिएगा ये। उसके बाद प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब एक बार बिल लोकसभा या राज्यसभा में आ जाता है तो दोनों हाउस से स्पेशल मेजोरिटी से उसको पास होना पड़ेगा, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या हुआ? 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। उस दिन जितने लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उसका 2/3 होना चाहिए, प्लस 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप। तो हाउस के जितने भी मेंबरशिप हैं उसमें, जैसे कभी भी लोकसभा में 543 मेंबरशिप हैं, तो उसका टोटल लोकसभा से 50% और किसका 543 का पास होना चाहिए, प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग दोनों से मिला के पास होना चाहिए, ठीक है।
उसी तरह विधानसभा, फिर उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, तो वहाँ कितने लोग आए हैं और कितने वोट कर रहे हैं उसका 2/3 प्लस जितने उस लोकसभा के मेंबर हैं 245 के आसपास, तो उसका 50% दोनों का में जो मैक्सिमम होगा उन दोनों हाउसेस से पास होगा। लोकसभा से भी सेम प्रोसेस, राज्यसभा भी सेम प्रोसेस। फिर बिल जाएगा किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट को उसके पे साइन करना ही होगा। प्रेसिडेंट ये नहीं बोल सकता कि हम वीटो एक्सरसाइज करेंगे, हम साइन नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट को मस्ट गिव हिज असेंट, वो साइन करना पड़ेगा। और जब एक बार प्रेसिडेंट साइन कर दिया तो वो बिल एक्ट बन जाएगा और उस बिल को हम लोग बोल देंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन एक्ट। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो यही चीज़ मेंशन है 368 में। तो ये तो हो गया आपका पार्लियामेंट से, लेकिन 368 में दो चीज़ मेंशन है, एक आपका है पार्लियामेंट से स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, और दूसरा है पार्लियामेंट से स्पेशल मेजोरिटी प्लस राज्य से हाफ ऑफ द जो विधानसभा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, उससे रेटिफिकेशन होना चाहिए, मतलब वो भी पास करना चाहिए। तो देखिए पार्लियामेंट से तो स्पेशल मेजोरिटी दोनों में चाहिए, लेकिन इसमें कुछ प्रोविजंस हैं जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के हाफ से आपको रेटिफिकेशन चाहिए। तो जो ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर पास करेगा तो ये पास करेगा बस सिंपल मेजोरिटी से, और सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या है, जितने लोग आए हैं उसका 50% से अधिक। ठीक है, तो 368 के अंडर दो आया, एक हो गया पार्लियामेंट से स्पेशल मेजोरिटी जिसका मतलब 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, और दूसरा 368 में आता है जिसमें स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग और टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस प्लस हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से रेटिफिकेशन, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो रेटिफाई करेगा वो सिंपल मेजोरिटी से करेगा। ठीक है, अब देखिए वही है, टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट दो टाइप का होता है, 368 के अंडर आएगा आपका, देखिए जिसमें स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट और स्पेशल दूसरा स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, और अमेंडमेंट कर सकते हैं सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के सिंपल मेजोरिटी से। तो ये बी और सी है वो आता है 368 में, और बाकी ये एक नॉर्मल प्रोसेस है संविधान को चेंज करने का। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सा प्रोविजन को हम लोग संविधान में सिंपल मेजोरिटी से चेंज कर सकेंगे, किस किस को स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट भी चाहिए और किसको किसको स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट भी चाहिए और स्टेट लेजिस्लेचर का हाफ ऑफ से रेटिफिकेशन चाहिए सिंपल मेजोरिटी से। तो बहुत आसान है, देखिए सिंपल मेजोरिटी किसको किसको चेंज कर सकते हैं, पहले के नए राज्य को बनाना है तब, और देखिए 368 के अंडर नहीं आएगा, 368 के अंडर दो ही आता है जिसमें पार्लियामेंट का स्पेशल मेजोरिटी है और हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से रेटिफिकेशन है सिंपल मेजोरिटी से। ठीक, तो देखिए नए स्टेट को बनाना, स्टेट का नाम चेंज करना, उसका बाउंड्री चेंज करना, लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना, सेकेंड शेड्यूल जिसमें सैलरी अलाउंस मेंशन है उसका, उसके अलावा एमपी का सैलरी वैलरी, पार्लियामेंट में कोरम, कोरम मतलब अभी प्रेजेंट में कितना कोरम है, 10% है कोरम, मतलब कि कितने परसेंट, मान लीजिए 545 लोकसभा में उसी दिन दो लोग हैं तो क्या दो लोगों का सभा गठित करेंगे क्या, नहीं करेंगे, तो कम से कम 10% चाहिए तभी लोकसभा में कोई कार्यवाही आगे होगी। तो कोरम को अगर चेंज करना है, 10% से बढ़ा के कुछ करना है, तो उसके लिए भी हम लोगों को सिंपल मेजोरिटी करना पड़ेगा। उसी तरह पार्लियामेंट में अगर रूल ऑफ प्रोसीजर को चेंज करना है तो भी करना पड़ेगा। पार्लियामेंट का जो प्रिविलेजेज होता है ना, हम लोग पढ़ेंगे पार्लियामेंट चैप्टर में, तो उसको भी चेंज करने के लिए। इसके अलावा अगर इंग्लिश लैंग्वेज अगर पार्लियामेंट में यूज करना है तो, अगर ऑफिशियल लैंग्वेज भारत का क्या होगा, अभी भारत का कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, है ना, हिंदी है इंग्लिश भी है, लेकिन भारत को राष्ट्र ऑफिशियल लैंग्वेज कुछ नहीं है। अगर ऑफिशियल लैंग्वेज को यूज करना है तो भी जो है हमको चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा मोर सुप्रीम कोर्ट को अगर ज़्यादा ज्यूरिस्डिक्शन देना है पार्लियामेंट के द्वारा तो भी सिंपल मेजोरिटी चेंज करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट में जो प्यूसाइन जजेज होता है उसके नंबर को भी चेंज करेंगे तो भी जो है सिंपल मेजोरिटी करेंगे। इसके अलावा सिटीजनशिप को चेंज करना है तो, यदि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन को प्रोसेस को चेंज करना है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन को भी चेंज करना है तो सिंपल मेजोरिटी। फिफ्थ शेड्यूल जिसमें आता है शेड्यूल ट्राइब के शेड्यूल करने का, लगभग 10 राज्य हैं तो 10 राज्यों का फिफ्थ शेड्यूल में नाम वाम एडिशन कुछ करना है तो उसमें सिंपल मेजोरिटी। और सिक्स शेड्यूल में असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम जो ट्राइबल एरिया आते हैं, उस चार ट्राइबल एरिया असम त्रिपुरा मेघालय एंड मिजोरम, उसमें चेंज करना है तो सिंपल मेजोरिटी। यूनियन टेरिटरी में चेंज करना है तो सिंपल मेजोरिटी। कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिलिमिटेशन करना है, डिलिमिटेशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का एरिया को डिफाइन करना है इलेक्शन के लिए, तो उसको भी सिंपल मेजोरिटी से। तो इतने सारे चीज़ हैं उसको सिंपल मेजोरिटी से। मेन आपको याद रखना है स्टेट लेजिस्लेटिव का इलेक्शन फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल, और बाकी लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना, एक दो बार आप देखेंगे तुरंत याद हो जाएगा। स्पेशल मेजोरिटी जो पार्लियामेंट का है उनसे हम लोग चेंज करते हैं, क्या होता है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। ठीक, तो दोनों हाउस से पास होना पड़ेगा इस मेजोरिटी से। तो इसमें चेंज हम लोग कर सकते हैं स्पेशल मेजोरिटी से, वो है आपका फंडामेंटल राइट DPSP, और वो सारे प्रोविजंस जो इसमें मेंशन नहीं है और जो
इसमें मेंशन नहीं है, बाकी जो चीज़ बचा जो इसमें भी नहीं, इसमें भी मेंशन नहीं है और इसमें भी मेंशन नहीं है, तो बाकी जो चीज़ बचा वो आपका इससे चेंज हो जाएगा। उसमें फंडामेंटल राइट तो होगा ही, DPSP, बाकी वो सारे चीज़ जो पहले और तीसरे में मेंशन नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। अब है स्टेट लेजिस्लेचर में भी रेटिफिकेशन चाहिए, सिंपल मेजोरिटी ऑफ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, सेम प्रोसेस ये वाला, प्लस हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से रेटिफिकेशन सिंपल मेजोरिटी से। तो उसमें हम लोग चेंज क्या क्या करते हैं, जिसमें जिसमें स्टेट का हिस्सा होगा, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन में स्टेट पार्टिसिपेट करता है तो ये करेंगे। उसके अलावा यूनियन और स्टेट का अगर एग्जीक्यूटिव पावर को चेंज करना है तो ये, अगर GST काउंसिल में भी स्टेट का पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है, 1/3 होता है, हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमी में, तो उसमें भी चेंज करना है। तो इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को चेंज करना है तो, क्योंकि इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है, अगर उसके पावर वावर को कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो हम लोग करेंगे सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के अगर पावर को चेंज करेंगे, ठीक है, नंबर बढ़ाएंगे, अब ज़्यादातर ज्यूरिस्डिक्शन देंगे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में अगर चेंज कर रहे हैं तो उसको हम लोग स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट प्लस हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से। सेवन शेड्यूल में क्या होता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंटली, चूंकि स्टेट का इसमें हिस्सा है तो उसको चेंज करने के लिए स्टेट से भी उसको पास करना पड़ेगा। सेवन शेड्यूल क्या है बता दिया, GST काउंसिल हो गया, उसके बाद आर्टिकल 368 को ही अगर चेंज करना है तो भी उसको स्टेट से भी पास करना पड़ेगा। उसके बाद पार्लियामेंट में अगर सीट्स का रिप्रेजेंटेशन करना है, मतलब 4th शेड्यूल में करना है कुछ चेंज, तो भी हमको स्टेट का चूँकि उसमें हिस्सा है तो भी उसको हमको स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट प्लस हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से पास करना पड़ेगा। ठीक, आप देखिए अमेंडमेंट का लेके क्रिटिसिज्म होता है, कुछ बोलते हैं कि अमेरिका में तो अलग से बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन, लेकिन इंडिया में कोई बॉडी नहीं है, पार्लियामेंट ही चेंज कर सकती है। इसका क्रिटिसिज्म होता है, स्टेट को कोई पावर नहीं है, जो भी कर रहा है वो पार्लियामेंट कर रहा है ना, स्टेट को तो बाद में पावर है, लेकिन कोई बिल अगर संविधान को चेंज करने के लिए इंट्रोड्यूस करना है तो वो स्टेट में नहीं होगा, कहाँ पे होगा, पार्लियामेंट में। स्टेट को भी पावर है लेकिन लास्ट में, और स्टेट को, पूरे स्टेट को भी नहीं पावर, अगर हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कर दे और बाकी ना भी करे तो भी उसको माना जाएगा कि संविधान संशोधन हो चुका है। ठीक, कोई टाइम फ्रेम नहीं है, जैसे कि बोलते हैं कि हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर को पास करना पड़ेगा, है ना, लेकिन कितने देर में उसको पास करना पड़ेगा इसके लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं है। एक चीज़ आपको और ध्यान में रखना है कि संविधान, अगर मान लीजिए बिल पास हो गया लोकसभा से संविधान को चेंज करने के लिए और राज्यसभा ने पास नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि राज्यसभा में हमको जो है डिसएग्रीमेंट है इसको लेके, तो कोई भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगा। ज्वाइंट सिटिंग मतलब क्या होता है कि प्रेसिडेंट, अगर मान लीजिए कोई भी बिल है जिस पे दोनों हाउस में सहमति नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट उस केस में ज्वाइंट सिटिंग दोनों हाउस को मिला के एक मीटिंग करवाता है और बोलता है कि बिल पे डिस्कशन करो, किसको क्या दिक्कत है बताओ, ठीक है, उसके बाद बिल जो है उसको पास किया जा सकता है, अगर उस पूरे हाउस को मिला के। लेकिन अगर संविधान संशोधन विधेयक में दोनों में से अगर एक हाउस भी अगर डिसएग्रीमेंट है, एग्री नहीं कर रहा है, तो प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग को नहीं बुला सकता है। ठीक, यह ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ प्रोविजंस को हम लोग सिंपल मेजोरिटी चेंज कर सकते हैं, मतलब फ्लेक्सिबल है, और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ अमेंडमेंट को, पूरे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग स्पेशल मेजोरिटी चेंज कर सकते हैं, जिसमें स्टेट का भी कुछ किस किस कंडीशन में उसका रोल है ना। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। इस तरह से फ्रेंड्स हम लोगों ने मात्र 10-12 मिनट में जो है संविधान संशोधन प्रोसेस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में अच्छे से कर लिया है। इसी तरह हम लोग धीरे धीरे करके चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, लगभग पॉलिटी का 7 से 8 लेक्चर हो चुका है, 7-8 चैप्टर भी हो चुका है। आप इसी तरह से देखते रहिए सब और पूरे अच्छे से पढ़ते रहिए। हम लोग शाम में आप लोगों को पॉलिटी के लिए MCQ भी आएगा, उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और साथ ही साथ इकोनॉमी का भी हम लोग का कोर्स चल रहा है, और इकोनॉमी का भी कुछ दिन में हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे किस तरह से UPSC क्वेश्चन में फंसाता है और कैसे हम लोग को नॉलेज यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी तरह से आप देखते रहिए Zero IAS का चैनल और मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। हैप्पी स्टडी एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको वीडियो के अपडेट टाइम टाइम पर आता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव ए नाइस डे।